शकीरा फिल्म्स में आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की, जिस पर 2013 में फिल्म बनी थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये घटना घटी थी 1971 में, जब रॉजर और कैरोलिन नाम के एक अमेरिकन कपल ने रोड आइलैंड पर अपना सपनों का घर खरीदा था। रॉजर और कैरोलिन की 5 बेटियां थीं, जिनके नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रिल थे। उनका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम था सैडी। इनके नए घर के आसपास दूर तक दूसरा कोई घर नहीं था। घर के पास एक छोटा सा तालाब था और वहीं पर एक बहुत पुराना पेड़ भी था। रॉजर और कैरोलिन अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इनका कुत्ता सैडी घर के अंदर नहीं जाता। काफी कोशिश के बाद भी वो घर के अंदर कदम नहीं रखता है, तो वो उसे वहीं बाहर छोड़ देते हैं। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को तालाब के पास एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। ये एक खिलौना था जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है और उसे लेकर अंदर आती है। पैरन फैमिली की दूसरी 3 बेटियां लुका छिपी खेलती हैं और खेल के दौरान उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जो बेसमेंट की तरफ जाता है। रॉजर नीचे जाता है जहाँ पे उसे कुछ पुराने सामान मिलते हैं। रॉजर वापस ऊपर आता है और अपने बच्चों से कहता है कि वहाँ नीचे नहीं जाना, और उन्हें डराने के लिए कहता है कि वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ हैं, और दरवाजे को लॉक कर देता है। रात में सोने जाने पर इनका कुत्ता सैडी बहुत भौंकता है। हालांकि उन्हें ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोने चले जाते हैं। सुबह जागने पर कैरोलिन को अपने पैर पर एक घाव मिलता है जो कल रात तक नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि ये घाव उसे कब और कहां लगा। साथ ही उसे अपने घर की सारी घड़ियां एक ही समय 3:07 पर बंद मिलती है। इस बारे में वो रॉजर से बात करती है तो वो कहता है कि सामान लाने में इधर उधर लग गया होगा। कैरोलिन उसे अपने पैर के घाव भी दिखाती है। तभी उन्हें अप्रैल की चीख सुनाई देती है और वो दोनों उस तरफ तेजी से भागते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि इनके पालतू कुत्ते की मौत हो चुकी है। सैडी की मौत का दुख तो होता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से ये कैसे हुआ। उसी रात 3:07 पर इनके घर की सारी घड़ियां फिर से बंद हो जाती हैं। उस वक्त रॉजर जगा होता है और उसे लगता है कि उसके घर में कोई है। जब वो चेक करता है तो पाता है कि उसकी बेटी एंड्रिया खड़ी है, और पूछने पर वो बताती है कि सिंडी उसके कमरे में आ गई है फिर से। उसके कमरे में जाने पर रॉजर देखता है कि सिंडी वार्डरोब पर अपना सिर मार रही है। सिंडी को नींद में चलने की बीमारी थी। रॉजर वापस सिंडी को उसके कमरे में लाता है। अगली सुबह रॉजर देखता है कि झाड़ियों में एक कबूतर गिर गया है और उसकी वहीं तड़प कर मौत हो जाती है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि उसके घर के आसपास काफी सारे पेड़ होने के बावजूद वहाँ कोई पक्षी नहीं है, लेकिन उसे ये सब नॉर्मल लगता है। रॉजर के साथ उसकी 4 बेटियां भी अपने अपने स्कूल चली जाती हैं और घर में सिर्फ कैरोलिन और अप्रैल ही बचते हैं। अप्रैल अपनी माँ से कहती है कि उसके साथ वो आँख मिचौली खेले। अप्रैल छुप जाती है और कैरोलिन उसे ढूंढते हुए उसी कमरे में जाती है जहाँ रात में सिंडी अपना सिर पटक रही थी। तभी अलमीरा का दरवाजा खुल जाता है और कैरोलिन कहती है कि क्लैपिंग करो, और तब अलमीरा में से कपड़ों के बीच से 2 हाथ निकलते हैं और ताली बजाते हैं। कैरोलिन उस तरफ बढ़ती है, वहाँ उसे किसी के सांसों का एहसास होता है और कपड़ों के बीच अप्रैल को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इस पर वो अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है और अप्रैल उसे कमरे से बाहर मिलती है अपने पीछे। कैरोलिन को ये बात थोड़ा परेशान करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो क्रिस्टीन का कोई पैर तेजी से खींचता है और वो जग जाती है। ठीक ऐसा ही उसके साथ पिछली रात भी हुआ था। तब उसे लगा कि शायद उसकी बहनों ने मजाक किया होगा। इस पर क्रिस्टीन देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुला हुआ है और उसे लगता है कि कोई है दरवाजे के पीछे। वो नैन्सी को जगाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। नैन्सी कहती है कि उसे सिर्फ यहाँ पर बदबू आ रही है, लेकिन क्रिस्टीन को लगता है जैसे वो साया कह रहा हो कि वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। तभी दरवाजा जोर से बंद होता है और नैन्सी और क्रिस्टीन चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख सुनकर रॉजर और कैरोलिन वहाँ आते हैं और सब चेक करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। क्रिस्टीन कहती है कि उस साये ने उससे बात की और हम सबको मारने की बात कही। रॉजर और कैरोलिन को लगता है कि इसने कोई सपना देखा होगा। कैरोलिन को अब हर रोज अपने शरीर पर एक नया घाव मिलता था और उसे लगता था कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है और वह इस बात के लिए दवाएं लेने लगी थी। रात में कैरोलिन को लगता है कि उसके घर में कोई घूम रहा है, कोई छोटा बच्चा, और वो एक एक करके अपने बच्चों को चेक करती है, लेकिन सब सो रहे होते हैं।
तभी सीढ़ियों पर लगी उनकी फैमिली की तस्वीरें सारी गिरने लगती हैं अपने आप। कैरोलिन ये देखकर तेजी से नीचे आती है और चेक करती है। तब उसे एक क्लैपिंग की आवाज आती है जो बेसमेंट की तरफ से आ रही थी और बेसमेंट का दरवाजा खुला दिखता है और वहां जाने पर उसे किसी का धक्का लगता है और वो नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। कैरोलिन डरी हुई होती है, तभी उसकी तरफ एक बॉल आती है जिसे देखकर वो और डर जाती है और सीढ़ियों से ऊपर भागने की कोशिश करती है। तभी बेसमेंट का बल्ब टूट जाता है और वहां घना अंधेरा हो जाता है। माचिस की तीली जलाने पर उसके पीछे कोई क्लैप करता है। ये हाथ किसी बच्चे का होता है। उसी समय सिंडी वापस एंड्रिया के कमरे में वार्डरोब पर अपना सर पटक रही होती है। एंड्रिया उसे अपने साथ बेड पर वापस लाती है। तभी वार्डरोब का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता है। एंड्रिया चेक करने अलमीरा के पास जाती है, तब उसे अलमीरा के ऊपर एक डरावनी शक्ल वाली औरत दिखती है जो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, और वो औरत एंड्रिया के ऊपर कूद जाती है। एंड्रिया की चीख निकल जाती है। उसी वक्त रोजर कहीं बाहर से आता है और अपने घर से उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और वो तेजी से भागता है अंदर। बेसमेंट में बंद कैरोलिन को छुड़ाने के बाद वो एंड्रिया की तरफ भागता है जहाँ वो बहुत डरी हुई होती है। उस वक्त पर पेरोन फैमिली वहाँ होती है और सबने कुछ न कुछ महसूस किया होता है कि इनके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। अगले दिन कैरोलिन एड और लॉरेन नाम के एक प्रोफेसर कपल से मिलती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट होते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज उसके घर आकर देखें। एड और लॉरेन उसके घर आते हैं, और लॉरेन जब बेसमेंट में जाती है तब उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई काला साया है और यहाँ बहुत कुछ घटित हो चुका है। एड उनके साथ हो रहे वाक्यों को सुनता है और उनके जवाबों को रिकॉर्ड करता है। रॉजर और कैरोलिन बताते हैं कि घर की सारी घड़ियां रोज सुबह 3:07 पर बंद हो जाती हैं। कोई भी पक्षी उनके घर के आसपास नहीं रहता। उनके कुत्ते ने भी घर में कदम नहीं रखा और अगले दिन उसकी मौत हो गई। लॉरेन सबसे छोटी बेटी अप्रैल से बात करती है और अप्रैल अपने दोस्त लॉरी के बारे में बताती है और उसे अपना खिलौना भी दिखाती है जो उसे पेड़ के पास मिला था। लॉरेन को उस खिलौने में लगे शीशे में एक बच्चे की परछाई दिखती है जिसके बारे में अप्रैल बात कर रही थी। अप्रैल से बात करने के बाद लॉरेन उसी पेड़ के पास जाती है, तब वहां पर एड आता है और लॉरेन देखती है कि एड के पीछे उसी पेड़ से किसी औरत ने फांसी लगाई है। हालांकि जब एड पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए, तब तक वो गायब हो जाता है। लॉरेन घबरा जाती है और घर के अंदर आती है और कहती है कि इस घर में कोई बहुत ही शक्तिशाली काला साया है जिसे उसने घर के अंदर आने पर ही महसूस किया था, जो सबके साथ मौजूद था, रॉजर, कैरोलिन और उनके बच्चों के साथ। और अगर वो कहीं बाहर भी गए इस घर से तो वो साया उन्हें उतना ही परेशान करेगा। लॉरेन ये भी कहती है कि इस घर में कई सारे साये हैं, लेकिन एक साया ऐसा है जिसके मन में बहुत नफरत और बहुत गुस्सा है, और वो बाकी सायों से बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए उन्हें उस घर को पवित्र करना होगा और इस प्रोसेस के लिए उन्हें चर्च से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन चर्च को सबूत चाहिए कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। उसी दिन एड और लॉरेन अपने घर में जब रॉजर और कैरोलिन की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उसमें सिर्फ एड की आवाज होती है। तब लॉरेन उसे उस घर की हिस्ट्री बताती है। 1893 में एक औरत बैथशेबा ने अपने एक हफ्ते के बच्चे को शैतान की कुर्बानी दे दी थी, और वो जादू टोने में विश्वास करती थी और उसे लोग बिच बुलाते थे, और बैथशेबा ने सुबह 3:07 पर खुद को घर के बाहर वाले पेड़ से फांसी लगा ली थी, और इसके बाद भी वहाँ उस जमीन और घर में बहुत सारे मर्डर और सुसाइड के केसेस मिले थे जिसमें लॉरी नाम के एक बच्चा भी था जो अब अप्रैल का दोस्त था। इसी दौरान एड और लॉरेन का वॉइस रिकॉर्डर खुद ब खुद ऑन हो जाता है, और अब एड की आवाज के साथ एक घोस्टली आवाज भी थी। अगले दिन एड और लॉरेन पेरोन फैमिली के घर जाते हैं और वहां पर हर जगह कैमरा और माइक लगाते हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए। इस काम में उनका साथ दे रहे थे उनके असिस्टेंट और एक पुलिस ऑफिसर जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। पहले दिन उन्हें कुछ भी ऐसा अजीब नहीं मिलता है, तो एड कैरोलिन से आराम करने को कहता है क्योंकि कैरोलिन बहुत थकी हुई सी लग रही थी। बाहर लॉरेन को बैथशेबा की परछाई कैरोलिन के कमरे में दिखती है जो उस वक्त आराम कर रही थी, और वो भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाती है। तब तक बैथशेबा ने कैरोलिन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक दिखती है। लॉरेन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। कैरोलिन कहती है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। उसी रात पुलिस ऑफिसर को एक साया दिखता है और वो साया उसे काफी डरा देता है।
पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो एक मेड के कपड़ों में थी और उसके हाथों पर कट लगे हुए थे जिनसे खून बह रहा था। तभी कैमरा फ्लैश होता है और सब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सिंडी सीढ़ियों से होती हुई एंड्रिया के कमरे में जा रही है जहाँ पर वो अक्सर नींद में जाती थी, और इसके साथ ही रूम का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। सिंडी के साथ कोई साया था जिसकी वजह से कैमरा खुद ब खुद फ्लैश हो रहा था। लॉरेन उस कमरे में लगी हुई माइक से आवाज सुनती है जिसमें एक बच्चे की आवाज थी जो कह रहा था कि छुप जाओ। जब दरवाजा खुलता है तो सिंडी वहां नहीं मिलती और ना ही कोई बच्चा। अलमीरा में ढूंढने पर उन्हें एक जगह मिलती है अलमीरा के पीछे जहाँ पर सिंडी थी। उसे वहां से बाहर निकालते हैं तब अप्रैल कहती है कि लॉरी के छिपने की जगह भी यही है। इस पर लॉरेन वहां जाती है, चेक करती है और उसे वहां पर फांसी का फंदा मिलता है और कुछ खिलौने भी मिलते हैं, और इसके साथ ही एक लकड़ी टूटने पर वो सीधे बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट में उसे एक औरत का साया दिखता है उसी म्यूजिक बॉक्स के जरिए। ये साया था लॉरी की माँ का जो बहुत डरी हुई थी और कहती है कि उसने मुझसे ये सब कराया, और ये कहकर वो गायब हो जाती है। तब वहाँ बैचिवा का साया दिखता है जो लॉरेन को बहुत डरा देता है। लॉरेन वहां से भागने की कोशिश करती है तब बैचिवा उसके गले की चेन को पकड़कर खींचने लगती है और लॉकेट टूट जाता है जिसमें उसकी बेटी जूडी की फोटो थी। लॉरेन डरी हुई ऊपर आती है और सबको बताती है कि ये काला साया सिर्फ माँ पर हावी होता है और अपने ही बच्चों को मरवा देता है क्योंकि उसने भी वही किया था। तभी नैन्सी के बालों को पकड़कर कोई उसे पूरे घर में इधर उधर खींचकर पटकने लगता है। तब उसके बालों को काटकर उसे आजाद करते हैं। एड और लॉरेन ये डिसाइड करते हैं कि ये जगह पवित्र होने तक सेफ नहीं है और इसलिए पैरन फैमिली एक मोटल में रहने चली जाती है। तभी लॉरेन को अपनी बेटी की आवाज के साथ उसकी परछाई भी तालाब में दिखती है और वो बहुत डर जाती है कि उसकी बेटी सेफ नहीं है। अपने घर पर पता करने पर उसे अपनी बेटी ठीक ठाक मिलती है। एड और लॉरेन चर्च के फादर से मिलते हैं पूरे सबूतों के साथ। फादर कहते हैं कि ये लोग कैथोलिक नहीं है तो इसके लिए हमें मेन चर्च यानी वेटिकन से परमिशन लेनी होगी जिसमें टाइम लग सकता है। दूसरी तरफ बैथशेबा एड और लॉरेन की बेटी जूडी तक लॉरेन के लॉकेट के जरिए पहुंच जाती है और एनावेल डॉल के जरिए उस पर हमला करती है, लेकिन उसके माता पिता एन वक्त पर पहुँच कर उसे बचा लेते हैं। तभी वहाँ रॉजर का फोन आता है कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टिन को लेकर कहीं गई है जब वो घर पर नहीं था। लॉरेन को पता था कि कैरोलिन वापस उसी घर में गई है और सब उस घर में पहुंच जाते हैं और कैरोलिन क्रिस्टिन और अप्रैल को ढूंढने लगते हैं जो उन्हें मिलते हैं बेसमेंट में जहाँ पर वो क्रिस्टिन को मारने वाली होती है। किसी तरह से क्रिस्टिन को उससे अलग करते हैं और कैरोलिन को जोर से पकड़ लेते हैं। ये देखकर अप्रैल उसी घर में छिप जाती है। जब कैरोलिन को घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं तब बैचेबा कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने लगती है। इस पर लॉरेन कहती है कि अगर वो बाहर गई तो उसकी मौत हो जाएगी, और तभी कैरोलिन वापस खींचते हुए बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर बैचेबा अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और सब पर हमला करने लगती है और सबको चोट पहुंचाने लगती है। इस पर उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है। कैरोलिन की हालत देखकर एड और लॉरेन उसी वक्त एग्जॉर्सिज्म करना तय करते हैं और मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तब बैचेबा चेयर को ऊपर हवा में उछाल कर नीचे पटक देती है जिससे चेयर टूट जाती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है। उसकी सारी रस्सियां खुल जाती है। पुलिस ऑफिसर को भी अप्रैल मिल जाती है जो उसी कवर्ड के पीछे छिपी हुई थी। ये जानकर बैचेबा तुरंत अप्रैल को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। इस दौरान एड मंत्रों को पढ़ता रहता है। बैचेबा के पीछे पीछे एड भी जाता है और मंत्र पढ़ते हुए जोर से बैचेबा का नाम लेता है, और तब असली बैचेबा सामने आती है जब वो कैंची से अप्रैल को मारने वाली होती है। मंत्रों को पढ़ते हुए एड उसे नरक में जाने का आदेश देता है, लेकिन अभी भी वो कैरोलिन पर हावी थी। तब रॉजर और लॉरेन कैरोलिन का हौसला बढ़ाते हैं उस शैतान से लड़ने के लिए। कैरोलिन कोशिश करती है लेकिन अब भी उस पर वो हावी था। तब लॉरेन कैरोलिन को उस मोमेंट की याद दिलाती है जो उसके लिए बहुत ही खास था, उसकी पूरी हस्ती खेलती फैमिली। उस पल को याद कर कैरोलिन के अंदर हौसला आता है लड़ने के लिए और वो शैतान उसके शरीर से निकल जाता है। अब कैरोलिन अपने होशो हवास में थी और अपनी बेटी अप्रैल से माफी मांगती है कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया, और घर से बाहर निकलने पर उसका पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट देती है जो बेसमेंट में गिर गया था। एड वापस अपने घर आता है और म्यूजिक बॉक्स को अपने कलेक्शन में रख देता है जो शापित चीजों का कलेक्शन था उसके पुराने केसेस से जिसमें एनाबेल डॉल भी थी।
फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।